आप सब लोग संगति के सर तब के ऊपर पड़ते। एक छोटे से बात बताऊं, एक पाड़े के घर में दो ठो चाकरी से, चाक समझते हो ना, बर्तन बनाए थे, मिट्टी लभिगई सो पाड़े और पाड़े मिट्टी लभिगा के दोनों भाई दोनों चाक से बर्तन बनाना शुरू करेंगे। एक तरफ एक भाई है चाक से बनावा तरी से चीलम, चीलम तो जानते हैं, जानना तक के ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहे। कई है भोलेनाथ के भक्त मन है, मैं देखता हूँ हमारे आश्रम में बोलबम वाला मन आराम करते रुकते हैं, 400-500 तक के बोलबम मन शनिवार रविवार में रुकते हैं आश्रम में। जीवन भूतेश्वर जाते हैं, जतमाई जाते हैं या सिहावा जाते हैं क्षेत्र में, तो आश्रम में होकर बढ़िया जगह रहते, वहां में देखता हूँ बोल बमिया मन कोंटा कोंटा में बैठ के बम लगावत रहते हैं। बम शब्द है गांजा पिए वाला शब्द नहीं हुए भाई, एला हमन गांजा पिए शब्द बना लें बम लग। ये बम शब्द कहां से उत्पत्ति हुए पता है? राजा दक्ष है यज्ञ करीस ना, भगवान शिव ने निमंत्रण नहीं दे रही से, सर्दी है अपन शरीर ला समाप्त कर दी यज्ञ में जाके, तब भगवान शिव के गर्म यज्ञ लगी ध्वंस कर दी। दक्ष के सर में बकरा के सर ला लगाएगी और जिंदा करेगी शरीर ला, दक्ष के शरीर यज्ञ पूरा करे बार, तब दक्ष हा बकरा के आवाज में बम बम कह की स्तुति करे दी से। वो गांजा पिए वाला शब्द नहीं पे हुआ, हम लोग गांजा बम बम कथन माने गांजा वाला है समझते हैं। और मैं अभी तक की जबका शास्त्र में पढ़े हूँ शिव पुराण और जो भी शास्त्र में पढ़े भगवान शिव की कथा, कहीं भगवान शंकर गांजा नहीं पिए। हम बहाना बना ले भगवान शंकर, भगवान शंकर गांजा है, कभी गाना में सुनाते हो छत्तीसगढ़ी गाना में चीलम लाओ का लाल वाला बुटी ला पी, ऐसे बात नहीं है, भगवान शंकर गांजा कहीं नहीं पिए है। और हम चलो हम गांजा पीते की मान ले मान लो, तो भगवान शंकर पियत रही सोई वाला जो भी भांग वांग के नशा कर रही सोई, तो भांग के नशा करके घूमत नहीं रहे, वो लफर लफर गोठियावत नहीं रहे। अब अगर जीवन के लक्षण गुण देखो भगवान शंकर के, नशा करे तो भजन करे पर नशा करे, भांग पियत रही सोई ना तो भांग लपी के राम राम जपे, पर अब करते हैं भगवान शंकर के पीछे में नशा पर राम राम कोई नहीं कहा। तो बम शब्द गांजा के लिए उपयोग होते, मैं बताना चाहते हूँ। एक एक तरफ भाई बनावतरी से चीलम, चीलम बने के बाद चीलम अपन आप धिक्कारे, धिक्कारे बोला मैं चीलम बन गयो, काकर संगत पड़ गयो, काकर हाथ पड़ गयो, बोला चीलम बनना पड़ी, काबर अपन आप धिक्कारतरी से। वो चीलम मन में सोचे बोला बाहर से लाएगी माटी, बाहर से लाते बाहर से लाएगी धिकाएगी 12 बार पलटी मारेगी, मोर अंदर के कंकड़ पत्थर मतलब निकाल के फेंक देगी, मोर अंदर में कुछ बने के पात्रता है, कुछ बने के पात्र बने में है तो बने भी तो चीलम। अभी मोला आगी में तपाएगी, आगी में पकाएगी, मोला पके के भी कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, पर कब जब मैं काकरो काम आते हूं तब। आगी में तपे के बाद पके के बाद कोई का आदमी गट गट के भर ही ठुस ठुस के, और ऊपर में नरियर को उसकी गुल्लर रखी और तान तान के खींची। मैं तो जलवे कर हूं दिन भर में 10 बार, पर मोला मोर जले के भी कोई दुख नहीं रहती, कब जब यो खींचने वाला काम आते हो तब, पर मैं दिन भर 10 बार जल हूं और जे मोर उपयोग कर हृदय जलाए काम करूं, धिक्कार है मोला काकर संगत पड़ गए मैं। दूसरा तरफ दूसरा भाई चाक से बनावत नहीं से सुराही, सुराही बने के बाद सुराही मुस्कावत नहीं से, अच्छा हो गया अच्छा संगत पड़ गया मैं सुराही बन गया, और जब मैं सुराही बन गया तब अभी मोला पकाए नहीं, मोला पकाए के कोई दुख नहीं कोई कष्ट नहीं है, आगे में तपू में हाँ काबर मोला कोई कष्ट नहीं है, अरे पके के बाद मैं भी ठंडा रहूं और जे मोर उपयोग करी उपर जी वाला ठंडकता प्रदान करे काम करूं, बोलो श्यावर राम चंद्र की। हर जगह संगति सुधर जाए, और जब संगत सुधरते ना तो अपने आप धीरे धीरे करके रंगत भी सुधर जाते, बोलो श्यावर रामचंद्र की। तब तो कोई संत बहुत अच्छा बात कहे हैं, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ताली से आप कितने प्रेम से आप सबको गाना है। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन सभी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव के भी एक आप दोहा सुने हो, बार बार बर मांग हूं हर्ष देहु सिर रंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। भगवान शिव भी सत्संग के ही प्रेमी रीन है। भगवान शिव पार्वती के श्राप पर 16 सूर्यों ने प्राप्त करना पड़ी। वृत्तासुर के जब युद्ध होते इंद्र के साथ में, दधीची रीची की हड्डी से वज्र बना के वृत्तासुर के संहार करेंगे इंद्र, है ना। तो वृत्तासुर के जब अंतिम समय है तो भगवान के भक्त इसने परम भक्त भगवान आशीर्वाद प्रदान करे बड़े वृत्तासुर लग। अंतिम समय में वृत्तासुर लग ही भगवान दर्शन देके, वृत्तासुर भैया मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, भले असुर योनि मिला हुआ है पर मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहिए मांग लो। तो वृत्तासुर बड़ा प्रसन्न होकर भगवान के दर्शन करे, एक बार निवेदन करी, प्रभु ठीक है आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए, कोई पक्षी कोई चिड़िया अपने अबोध बच्चे को घोसला में छोड़ के चारा चुगने गई हो, चिड़िया के मन में अपने मां से मिलने के लिए जितनी आतुरता है उतनी ही आतुरता आपके दर्शन के लिए मेरे मन में बना रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। भगवान एव मस्तु कहने वाला इसे हाथ उठा के वृत्तासुर मना करते, नहीं 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 प्रभु ये वरदान मुझे नहीं चाहिए। भगवान पूछे क्यों, तो वृत्तासुर जवाब दे, हो सकता है चिड़िया चारा चुभने गई हो और किसी बहेलिया के हाथ लग जाए, किसी शिकारी के हाथ लग जाए तो चिड़िया का बच्चा बेचारा तड़प तड़प के मर जाएगा, नहीं मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान की कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो ठीक है, गैया अपने बछड़े को घर में छोड़ के चारा चरने गई हो, बछड़े के मन में अपनी माँ गाय के लिए गाय से मिलने की जितनी उत्कंठा तीव्र उत्कंठा रहती है उतनी तीव्र उत्कंठा मेरे हृदय में आपके भक्त आपके दर्शन के लिए बना रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद। भगवान आशीर्वाद देने वाला इसे उहुल मना कर, नहीं नहीं प्रभु ये वरदान मुझे नहीं चाहिए, ये वरदान क्यों नहीं चाहिए। तो वृत्तासुर के हो सकता है गाय आए चारा चर के और गाय का मालिक गाय को बछड़े से 2 घंटा दूर बांध के रख दे तो बछड़ा बेचारा चिल्लाता बैठा रहेगा, चिल्लाता नहीं ऐसा वरदान। तो कोई दूसरा मांगो, जल्दी मांगो, जल्दी करो। तो ठीक है, कोई नौकरी का पेशा करने वाला कोई सिपाही विवाह के 1 हफ्ते के बाद अपनी पत्नी को घर में छोड़ के अपने ड्यूटी में विदेश या ड्यूटी में चला जाए, है ना, 1 साल बाद उनके पत्नी को चिट्ठी मिले कि मैं अमुक दिन आ रहा हूं। चिट्ठी पाने के बाद पत्नी के मन में अपने पति से मिलने के लिए जितनी तीव्र उत्कंठा बने उतनी ही तीव्र उत्कंठा मेरे हृदय में
आपके दर्शन के लिए बना रहे प्रभु, ऐसा मुझे वरदान दो। वरदान देने वाला नहीं थे और भगवान फिर मना कर दे, नहीं 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 ये वरदान मुझे नहीं चाहिए। भगवान मुझे ये वरदान क्यों नहीं चाहिए? वृद्धासुर जी हो सकता है गाड़ी में, जिस गाड़ी में बैठ के उनका पति वापस आ रहा हो गांव, वो गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो जाए तो बेचारी पत्नी तड़पती रहेगी अपने पति के लिए, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान के वृद्धासुर जल्दी करो। तो वृद्धासुर अंत में भगवान की तरह प्रणाम करके निवेदन करें, वरदान मांगे, प्रभु ठीक है आप मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं मेरे ऊपर, मेरे भक्ति के ऊपर, तो मुझे जब भी कोई शरीर मिले, जब भी मैं जन्म लेके आऊं, तो किसी ऐसे संत से मुझे मिला देना जिनका संबंध भगवान के साथ बना हो, गुरु श्यामल रामचंद्र की, ऐसे संत से मिला देना जिनका संबंध भगवान से हो, जो भगवान को मानते हो, भगवान के साथ जिनका संबंध जुड़ा हो, ऐसे कोई संत से मिला देना, ऐसा मुझे वरदान दो। वृत्तासुर वरदान प्राप्त है भगवान नारायण के, तो संगत अच्छा हो ये प्रयास मोर निवेदन आप सबसे।